बांग्लादेश के तट पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। राज्य के कई जिलों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। सोमवार के अहले सुबह से राज्य के लगभग सभी जिलों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 6 जिले गुमला, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम व पश्चिमी सिंहभूम में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची, लोहरदगा, लातेहार, पलामू व गढ़वा में ऑरेंज और चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो में, धनबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले दो दिनों से पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है, किन कारणों से ये बारिश हो रही है और आगे के लिए क्या प्रेडिक्शंस है? अभी आप देख रहे हैं क्योंकि जो गहन आपदा है, डीप डिप्रेशन है, जिसके असर में झारखंड में ये बारिश देखने को मिल रही है। और आज में जो स्थिति है कि ये पुरुलिया से 40 किलोमीटर के आसपास में सुबह में मौजूद था, झारखंड के बॉर्डर पे था और अब झारखंड में इसकी घुसने की स्थिति हो गई है। और ये सिस्टम का असर आज पूरा 16 तारीख में देखने को मिलेगा। और 16 तारीख में आप देखें तो पश्चिमी भाग, जिसमें पलामू संभाग के इलाके हो जाते हैं और साथ में सिमडेगा, तो यहाँ पे आपको भारी से बहुत भारी, अत्यधिक भारी बारिश के भी एक आध इंसिडेंट देखने को मिल सकते हैं। गुमला और आपका लोहरदगा जो इलाका है वहाँ पे आपको भारी बारिश देखने को मिल सकता है। खूंटी हो गया, चतरा हो गया, तो इन इलाकों में आज में भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकता है। रांची, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, पूरी सिंगोनी इलाकों में आपको आज में भारी बारिश देखने को मिलेगी। तो ये जो बारिश है थ्रू आउट द स्टेट, पूरे स्टेट में देखने को मिलेगी आज 16 तारीख में। साथ में जो हवा है, क्योंकि डीप डिप्रेशन है तो हवा 40 से 50 गस्टिंग टू 60, कुछ कुछ केस में 70 किलोमीटर तक की भी जा रही है। तो उसको देखते हुए झारखंडवासी थोड़ा सतर्कता बरते हैं और जब तक बहुत जरूरी ना हो तो बाहर निकलने से बचे। कल 17 तारीख में जो पलामू और गढ़वा दो जिले हैं जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट है भारी से बहुत भारी बारिश के लिए, और चतरा और लातेहार के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। तो शेष जो इलाके हैं मध्य के, जो वेस्ट से सटे हुए हैं, वहाँ पे आपको मॉडरेट रेन देखने को मिलेगा और बाकी संथाल इलाकों में कुछ जगहों पे आइसोलेटेड लाइट रेन से मॉडरेट रेन देखने को मिलेगा। तो आज में तो पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा बारिश। कल थोड़ी सी बारिश में गिरावट होगी बट पूरा पश्चिमी भाग और मध्य भाग में आपको कल में भी मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलेगा। साथ में जो पलामू गढ़वा है वहाँ बारिश, बहुत भारी बारिश, और चतरा और लातेहार में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो इस सिस्टम को देखते हुए लोग थोड़ा सा सतर्कता बरतें और अभी जो जल स्रोतों के पास जाने से बचें, जो डैम है, नदी है, वाटरफॉल है, इस सब के आसपास में जाने से थोड़ा सा बचें। और क्योंकि बारिश हो रही है एक दो दिन से, पेड़ हवा भी चल रही है तो पुराने सूखे पेड़ गिरने की स्थिति हो सकती है, तो थोड़ा बाहर निकले तो खास ध्यान रखें। पावर डिस्ट्रप्शन जैसी चीज़ें हो सकती हैं, लो लाइंग एरिया में निचले इलाकों में कुछ पानी भर सकता है, कच्चे मकान कुछ नुकसान हो सकता है, तो इस सब को देखते हुए लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो गाइडलाइन आता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और 18 तारीख से जो स्थिति है वो सामान्य की तरफ अग्रसर हो जाएगी और कल 17 तारीख में ही सेकेंड हाफ से पश्चिमी इलाकों को छोड़कर अधिकतर इलाकों में स्थिति सामान्य की तरफ बढ़ती हुई दिखने को मिलेगी। धन्यवाद।